ग्रोसरी शॉपिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं कार्ब्स। हम कार्ब्स में यूज़ कर रहे हैं पास्ता, होल व्हीट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कार्ब्स का मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे शेप से भी इशू होता है, तो मैं कोई और शेप ढूंढ लूँ जो इसके अलावा, जो इनके अलावा हो। ओके, थर्ड शेप मुझे ये पसंद आई है, तो ये ले रहा हूँ मैं, इसको सलेंटी कहता हूँ। सेकेंड सोर्स ऑफ कार्ब्स है हमारी राइस। अगर आपको पास्ता पसंद नहीं है या उसका भी ऑल्टरनेट यूज़ करना चाहते हैं, तो वो राइस है। और राइस में हम जो यूज़ करते हैं वो है लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस, क्योंकि जो छोटे वाले राइस होते हैं वो अक्सर पकने के बाद टूट जाते हैं, खिचड़ी टाइप की पक जाती है, तो ये ज़्यादा बेटर है। थोड़े महंगे हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी है। तो क्योंकि ये वीकली ग्रॉसरी कर रहे हैं, तो वीकली ग्रॉसरी के लिए ये कार्ब्स की सोर्सेज काफ़ी हो गई हैं, तो हम नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं। जो प्रोटीन की ईजीएस्ट सोर्स है चिकन, और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप चिकन ब्रेस्ट ले लें और चिकन मिंट्स ले लें। तो ये फिलहाल 2 kg हम ले रहे हैं एक वीक के लिए। अच्छा, चिकन क्योंकि हमने सिर्फ 2 kg लिया है, तो हम 1-2 kg फिश भी लेंगे, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप लेकिन लीन प्रोटीन है, तो ट्यूना, सैल्मन, टिलेपिया, इनमें से कोई भी आप फिश यूज़ कर सकते हैं। पास्ता और राइस यार काफ़ी ज़्यादा फीके हो जाते हैं, तो उसमें हमारी बजट शॉपिंग में ये भी आता है, चिकन पाउडर, ये भी यूज़ करके इसका टेस्ट कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो चिकन पाउडर, चिकन स्टॉक के साथ भी अगर आपको थोड़ा बोरिंग लगे, थोड़ा फीका लगे, तो आप कोई सा भी मसाला फेवरेट अपना डाल सकते हैं। इससे कैलोरीज में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, है भी सस्ता, तो हम अचार गोश्त मसाला यूज़ करते हैं, लेकिन आप बहुत थोड़ी सी मिकदार में इसको यूज़ करेंगे सिर्फ टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। हेल्दी फैट्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑलिव ऑयल। ऑयल आपको दुश्मन नहीं है अगर आप अच्छा वाला ऑयल यूज़ करें, आपने बाकी सनफ्लावर और बाकी यूज़ नहीं करने हैं, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल। ग्रीन टी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, आपकी हर चीज़ में हेल्प करेगी, टेस्ट अच्छा नहीं होता, फ्लेवर्स भी बस ऐसे ही लिखे हुए हैं, लेकिन पी नहीं है। डाइट ज़्यादा बोरिंग ना हो तो हम केचप भी यूज़ करते हैं, और डाइट को थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए आप सिराचा या टोबैस्को सॉस यूज़ कर सकते हो। वो अभी तक हमें मिल नहीं रही है, देखते हैं शायद यहाँ मिल जाए। फिलहाल अनअवेलेबल है शायद, तो हमें किसी और जगह से लेनी पड़ेगी। और येलो मस्टर्ड भी, ये अगर ना भी मिले तो कोई इशू नहीं है। ब्रेकफास्ट के लिए ओट्स भी यूज़ करेंगे। वैसे नॉर्मली हम क्वेकर के ओट्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन ओट्स बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है, लो जीआई, जीआई इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो आप सब सोच रहे होंगे कि जीआई होता क्या है, तो ये आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओट्स मेनली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, आपको रिफाइंड कार्ब्स यूज़ नहीं करने होते, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यूज़ करने होते हैं। और लो जीआई का मतलब है वो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखते हैं, तो आपको ज़्यादा देर भूख नहीं लगती है, और बहुत अच्छी सोर्स है कार्ब्स की और प्रोटीन की भी। फ्रूट्स में भी आप ऑरेंजेस यूज़ कर लें, बनानाज यूज़ कर लें, ये वैसे भी काफ़ी चीप होते हैं, आपकी ग्रॉसरी पे ज़्यादा बोझ भी नहीं आएगा, तो बेरीज वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल फ्रूट्स खा सकते हैं। तो कार्ब्स की एक और अच्छी सोर्स है स्वीट पोटैटो, जिसको आप शकरकंदी भी बोलते हैं। ये नॉर्मल आलू से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनमें स्टार्च कम होता है, फैट भी थोड़ा कम होता है, और टेस्ट भी इनका थोड़ा अच्छा होता है, तो नॉर्मल पोटैटो से बेहतर है आप स्वीट पोटैटो खा लें। वेजिटेबल्स में मैंने कैरेट भी ली है, विटामिन से भरी हुई, ज़रूर यूज़ करें। वेजिटेबल्स में मैं दूसरी चीज़ लूँगा पालक, स्पेनिच। वैसे तो मुझे बेबी स्पेनिच चाहिए थे ताकि मैं ऑमलेट भी यूज़ करूँ, लेकिन यहाँ नहीं होते हैं। डाइट में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वेजिटेबल्स हैं वो ये चेरी टोमेटोज और बेबी कॉर्न भी होता है, लेकिन क्योंकि ये बजट ग्रॉसरी है तो हम इसको इस बार स्किप करेंगे। तो एग्स आप जब भी लें ओमेगा 3 वाले लें, इनमें थोड़े ज़्यादा बेहतर होते हैं, प्रॉबेबली होता है कि फार्म रेट होते हैं। मैं इनको वापस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बजट डाइट है,
और आप जो लेंगे वो ये वाले हैं। ये तकरीबन 90 एग्स एक साथ आपको मिल जाते हैं, जो कि थोड़े सस्ते पड़ते हैं आपको और आप इनको ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल्स भी हम यूज़ करते हैं राइस के लिए या कुछ भी बनाने के लिए। तो भाई, फ्रोज़न वेजिटेबल्स लेने का मेन फ़ायदा ये है कि टाइम बच जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, क्लाइंट्स को देखना होता है, तो टाइम बहुत कम होता है कि हम अलग अलग सब्ज़ियाँ लें और उनको काट के फिर पकाएँ। तो मिक्स ले लेते हैं, फ्रोज़न थोड़ी बहुत महंगी होती है लेकिन टाइम बच जाता है। कोर्स मल्टीग्रेन ब्रेड, वाइट ब्रेड यूज़ नहीं करिए, उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। तो बहुत बड़े बड़े बॉल्स भी ले रहे हैं, ये डाइट का हिस्सा नहीं है लेकिन हम इसमें डाल के खाएंगे। यही थी हमारी आज की ग्रॉसरी शॉपिंग। हमने सोचा तो वीक का था लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो वीक से ज़्यादा चलेंगी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।